अपने वीडियो बना रहे वैसे ही चलेगा, है ना? जैसे अपने वीडियो बना रहे वैसे ही रहेगा, जरूर नहीं ये वाला लाइन। अरे हेलो हृदय, कैसे हो? अच्छा हो सर, आप कैसे हो? बस फर्स्ट क्लास। और क्या क्या मतलब रिजल्ट्स तो ठीक है, लेकिन मेंटली तुम तैयारी तो कर चुके होगे कि क्या लेना है तुम्हें? सर कॉमर्स ही लेने का है, बट फिर मैंने ऐसे एक दो फ्रेंड से बात करी तो उन्होंने बोला कि कॉमर्स के अंदर विथ मैच इधर कम स्कूल में और अच्छा नहीं है विथ मैच इधर हाँ स्टडी सही वाइज। बात है जी, वो विथ मैथ्स लेने का कोई कंपलसन नहीं है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप हाँ का डिसाइड क्या किया तुमने कुछ ऐसा? सर, मैंने सोचा है मतलब वो फिफ्थ सब्जेक्ट जो ऑप्शनल होता है सर, ऑन्थ्रोप लेने का सोच रहा था, कंफर्म नहीं है अभी, देखते हैं। लेकिन आगे तुम कॉमर्स में जैसे क्या प्लानिंग, क्या सीए का या कैसा आर्किटेक्ट, कौन सी ग्राउंड फील्ड सोचा है? सर बिजनेस मैनेजमेंट का करने का कोर्स है, फिर बाद में बिजनेस में ही जाने का है। बिजनेस में जाना, एमबीए करना तो एमबीए के लिए तो तुम्हें, हाँ एंटरप्रेन्योरशिप भी सही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ्स जरूरी पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो एमबीए का एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम है एग्जाम में ना, मैथ का होता है। वो हाँ तो तुम अपना साइड में करते ना, लेकिन जो छोटे ज्यादा हाई लेवल नहीं, जैसे अभी इसमें मैं आज जो परम्यूटेशन करा रहा हूँ, कॉम्बिनेशन, ये छोटे छोटे कंसेप्ट तुम्हें सीखने पड़ेंगे, बस वो थोड़े से एक्स्ट्रा आते हैं, उसके दो चार क्वेश्चन आते हैं, तो क्या हुआ तुमको बेनिफिट मिलेगा। बाकी तो ठीक है, अभी तो खैर मेंटली थोड़ा बहुत तो स्टार्ट भी कर दो, अकाउंट्स अकाउंट्स थोड़ा पढ़ना चालू तो कर दो, वो तो कंपलसरी है तुम्हारे। सर अकाउंट्स का मतलब वो कैसे पीडीएफ से टेक्स्ट बुक डाउनलोड किया है, थोड़ा बहुत रीड किया फर्स्ट चैप्टर, मतलब एक ब्रीफ ऐसे पढ़ा क्या है उसके कोई है घर में जो अकाउंट्स रिलेटेड है, पापा है मम्मी कोई? बाद। पापा का बिजनेस है। लेकिन फिर अकाउंट्स कोई हेल्प करे तुम्हें, कोई एक सीनियर है जो तुम्हें हेल्प गाइड्स करे? ये तो सर अभी मतलब सोसाइटी में है फ्रेंड्स, ठीक है, देखो तो अच्छा है कि तुम्हारे को हेल्प मिले तो अच्छा है, तो उनसे थोड़ा सा गाइडेंस करो, क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम में था तो इतना कॉमर्स का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन बाकी तुम थोड़ा सा कि उनसे लो कि आगे क्या करना है कैसे, तो थोड़ा बेटर रहेगा। ठीक है चलो कोई बात नहीं। और मोहित तुम क्या ले रहे सर हो आगे, साइंस सर कॉमर्स कॉमर्स? कॉमर्स ले रहे कॉमर्स हो, सर। तो भाई ने हाँ नहीं सर। हेल्प की? हाँ भाई ने तो कॉमर्स ही लिया था ना शायद। हाँ हाँ सर, जयेश ने कॉमर्स लिया था। हाँ तो जयेश ने फिर आगे तुम्हें बताया नहीं क्या बेटा एमबीए क्या करना है, कुछ बोला उसने? सर अभी तो मैं बीबीए का ही सोच रहा हूँ, बीबीए एमबीए, फिर अच्छा बिजनेस में जाना है बीबीए, सर। अच्छा हाँ उसी फील्ड में, मतलब आगे कंटिन्यू बीबीए फिर एमबीए का कंटिन्यू, सही है, जी वेल सर। डन, ठीक है, अच्छा है। और उसको और भी डिटेल सर्च करो, तुम भी हृदय सर्च करो उसके ऊपर, दोनों के क्या क्या हो सकता है, ओके अभी सर, टाइम है तुम्हारे पास, बेटर रहेगा। ओके सर। हाँ और मनसा तुम क्या कर रहे हो, तुम भी कॉमर्स का फाइनल हो गया तुम्हारा है मनसा? चलो ठीक है, चलो आज हम लोग एक काम करते हैं अभी, और पलक ने तो खैर मेरे से काफी डिस्कशन किया, तो पलक तो खैर उसका मेंटली बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि क्या करना है, तुम लोगों का भी वैसे क्लियर है, और मोस्टली देखो बेटा आप लोगों का जो रिजल्ट्स हैं, जहां तक मेरे को एक्सपेक्टेड है, मैंने पलक से भी डिस्कस किया था, घर में कॉपी चेकिंग के लिए दे दिया है टीचरों को, तो मोस्ट प्रोबेबली इनका तुम लोगों का रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाना चाहिए, या ज्यादा से 15 जून तक, से लेट नहीं करेंगे, तो तब तक तुम लोग अपना थोड़ा बहुत, क्योंकि स्कूल चालू होगा ना, कुछ चीजें तो वो हटाएंगे, लेकिन वो आगे आपकी जैसे कैरियर मेकिंग में आपको प्रॉब्लम्स ना करें, तो वो आप लोग थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से स्टडी करो, तो क्या वो चीजें स्कूल वाले तो नहीं लेंगे, लेकिन आपका कहीं वो वीक ना पड़ जाए, तो उसको थोड़ा सा अपनी तरफ से आप सेल्फ स्टडी में बढ़ा दो, क्योंकि अब 11th है, कैरियर मेकिंग है, इसमें हम लोग रिस्क नहीं ले सकते।
टेन तक था, हमने मस्ती की, खूब इंजॉय किया, ये था वो, रिजल्ट भी कम आएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन इलेवन बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि ये तुम्हारा कैरियर बनाने वाला, थोड़ा अभी इसकी सीरियस है। चलो आज मैं आपको पहले मैं बताता हूँ परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या। आप लोग कभी जैसे अभी आप लोग क्या सोच रहे हो, आप लोगों को सिलेक्शन करना है कौन से सब्जेक्ट लेने हैं कौन से नहीं लेने, उसके बाद उस सिलेक्शन को आप अरेंज करना चाहते हो कि कैसे अरेंज करें, पहले किसको प्रायोरिटी दें फिर उसको किसको दें, तो ये जो चैप्टर वही है परम्यूट एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूट का मतलब होता है आप उसको क्या कर रहे हैं, परम्यूट कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन का मतलब है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं आप लोगों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने से पहले जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप लोग एक पिक्चर हॉल गए, हेलो समृत हाउ आर यू, समृत कैसे हो, समृत गुड इवनिंग, कुछ बोलना बोलना नहीं चाहते हो, कुछ नहीं। चलो आज मैं एक थोड़ा सा नया टॉपिक ले रहा हूँ, ट्रिगो तो थोड़ा क्या बहुत ज्यादा एडवांस्ड हम ले गए थे, अब थोड़ा सा नया टॉपिक लिया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो क्या थोड़ा सा कॉमर्स वाले बच्चों को काफी हेल्पफुल है, ले वो मैथ्स ले ना ले उनके स्टैटिस्टिक उसमें भी काम आएगा और आप लोगों के भी काम आएगा, और हर कॉम्पिटिटिव में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो देखो अब सबसे पहले आप लोगों को उसको सीखने के लिए मैंने क्वेश्चन बोला है, आप पिक्चर हॉल गए, पिक्चर हॉल में एंट्री के लिए एक ही दरवाजा होता है, आप लोगों को पता है, नहीं बहुत जगह तो तीन दरवाजे क्योंकि तीन होते हैं ए बी सी डी है, तीन दरवाजे एंट्री के लिए और एग्जिस्ट करने के लिए दो दरवाजे, तो आप कितने तरीके से एंट्री कर सकते हो और कितने मतलब कितने तरीके से एंट्री और एग्जिस्ट होकर बाहर आ सकते हो फिल्म हॉल से, बता सकते हो टोटल कितने रास्ते आपके अंदर जाने के और बाहर निकलने के, सोच के बताओ। देखो पिक्चर हॉल में गए, जाने के तीन दरवाजे, बाहर निकलने के दो दरवाजे, तो आप पिक्चर हॉल में जाने के बाद बाहर निकलो तो कितने तरीके से आप अंदर जाके बाहर आ सकते हो, पलक बता सकते हो कितने रास्ते हैं आपके पास, पांच रास्ते हैं, पांच हैं, तुम बताओ, थ्री का स्क्वायर करते थ्री का छह भी हो गए, मैं बताऊं और चलो कोई और है, मनसा तुम बताओ, मनसा का ईयरफोन चालू नहीं है, ईयरफोन लगा लो, मोहित तुम बताओ, मोहित सर पांच रास्ते हैं, पांच रास्ते हैं, बहुत इजी वे, देखो इसमें क्या होता है आपके जाने के तीन रास्ते हैं यानी थ्री वेज और निकलने के दो वेज, तो क्या बोलते हैं कि आपके मैथमेटिकली देखें तो थ्री इंटू टू आपके पास सिक्स वेज है, मान लो आपने पहला गेट ए यूज किया तो आप इसमें से कोई भी दो रास्ते ढूंढ सकते हैं निकलने के लिए, यानी इसमें फिर आपने दूसरा रास्ता देखा उसके दो तरीके, तीसरे का दो तरीके, यानी एंट्री करने के ए बी सी में से तीन है, जाने के ए में से आप बाहर निकलने के दो रास्ते ले सकते हो, तो आप देखो टोटल टू प्लस टू प्लस टू तो सिक्स वेज हो गए आपके, तो ये है आपके देखो निकल जाने के थ्री आने के टू, तो थ्री टू जो इनको मल्टीप्लाई करो तो टोटल आपके सिक्स वेज आएंगे, हमेशा यू हैव टू मल्टीप्लाई टू मेक टोटल वेज। जैसे आप देखो एक और मैं बता रहा हूँ, आप एक कैलेंडर है, कैलेंडर बनाने के लिए जो मिंट होते हैं ना, मिंट वो होते हैं जो कैलेंडर बनाते हैं, वो पॉसिबल फ्यूचर के लिए उनको कैलेंडर्स बनाने हैं, तो कितने कैलेंडर्स वो बना सकते हैं, पॉसिबल कितने कैलेंडर्स बनेंगे, हृदय बताओ सर एक बार, क्वेश्चन फिर से सुनो, एक मिंट MINT मिंट क्या करता है, फ्यूचर प्लानिंग करके कैलेंडर्स बनाता है, तो कैलेंडर वो कितने पॉसिबल कैलेंडर बनाएगा जिससे हर फ्यूचर में हर कैलेंडर काम आएगा, तो उसके पॉसिबल कितने कैलेंडर फ्यूचर के लिए वो प्लानिंग कर सकते हैं, कि मतलब उस कैलेंडर को देखो तो कोई ना कोई ईयर उसमें वो काउंट हो जाता है, कितने पॉसिबल वो कैलेंडर फ्यूचर के लिए बनाएगा। आप लोग देखते हो ना आपके कॉपी के पीछे भी कैलेंडर के डेट्स वेट्स दिए होते, बहुत से बच्चों की कॉपी दिए हुए थे, मैंने काफी बार देखा तो मैं ढूंढता था ये है क्या तरीका, एक्चुअली बता सकते हो कि कितने कैलेंडर वो बना सकते हैं, अलग आप बताओ, मनसा हेलो मनसा कनेक्ट हो गई, चलो पलक बताया कितने कैलेंडर बना सकता है,
नहीं कोई बात सर, मनसा कनेक्ट नहीं हो पाए देखना। अच्छा मनसा एयरफोन लगा लो। चलो हृदय तुम बताओ 14 क्या। वाह ब्रेवो, 14 इज द राइट आंसर। किसने बोला? हृदय। अरे हृदय तो हृदय हो गया, जीनियस। देखो कैसे कैलेंडर बनाना, 14 कैलेंडर में बताता हूँ आपको। होता है हर साल दो, आपके दो तरह के ईयर होते हैं, एक होता है लीप ईयर, एक नॉन लीप ईयर। लीप ईयर में हमेशा आपके कितने डेज होते हैं? 366। कहां से स्टार्ट हो रहा है वो पहला, तो उसके लिए या तो मंडे होगा या ट्यूसडे या वेडनेसडे या थर्सडे या संडे, कुछ भी। तो उसके पास सेवन वेज है। और दूसरा उसके पास दो तरह के ईयर है, उसके पास टू 14 पॉसिबल कैलेंडर होंगे होल ईयर के लिए। ठीक है, इतने ही कैलेंडर बनाएंगे, इसके ऊपर सारे ईयर काउंट हो जाएंगे। चलो ये तो हो गया आप लोगों का परमिटेशन लेके, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे को एक नया कंसेप्ट बताना है, फैक्टोरियल। नाम हम सुनेंगे फैक्टोरियल, बहुत इजी है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, हर जगह काम आएगा। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब ये सिंबल ऐसा, ये ऐसा डॉट डालेंगे। एक आपको सेमी कॉलन होता था, इंग्लिश में सेमी कॉलन लगाते हैं उसी तरह का। तो जैसे आपने लिखा 4 फैक्टोरियल, 4 पीछे फैक्टोरियल, तो इसका मतलब तो 4 से लेकर 4 × 3 × 2 × 1 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप वेज लिख रहे हैं ना, 4 × 3 × 2 × 1 तक लिखना, ये इसका 4 फैक्टोरियल, यानी ये हुआ टोटल 24, 4 फैक्टोरियल। जैसे मैंने लिखा 2 फैक्टोरियल चाहिए, 2 × 1 यानी 2। आपका सिर्फ नेचुरल नंबर पर ही काउंट होगा, नेगेटिव नंबर के फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव हम वेज नहीं रखते हैं। कि हमें कोई भी रास्ता ढूंढना तो नेगेटिव रास्ते नहीं ढूंढते, पॉजिटिव रास्ते, इसलिए हमें हमेशा 1 तक ही जाना है। जैसे आप बोलो 0 फैक्टोरियल को हम लोगों ने यूनिवर्सली 1 मान लिया, क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव होता ना पॉजिटिव, इसको हम 1 काउंट करते हैं। लेकिन अगर आपको मेरे को 6 फैक्टोरियल चाहिए, तो मैं क्या लिखूं, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर है 6 × 30 = 120, 120 × 3 = 360, 720, तो ये 6 फैक्टोरियल का वैल्यू हो गया। मन से आया समझ में 6 फैक्टोरियल? मोहित चलो बताओ, yes, बताओ 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5 फैक्टोरियल कितना होगा पहले ये बताओ। 120। 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तो आप इन 120 इसका वैल्यू है। बिल्कुल सही, देखो यहां तक आएगा, यहां से लेकर यहां तक। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं 5 6 फैक्टोरियल, तो आपने लिया 6 × पीछे 5 फैक्टोरियल चालू से, तो इसलिए हम 6 फैक्टोरियल को 6 × 5 फैक्टोरियल में तोड़ सकते हैं। देखो 6 का 5 फैक्टोरियल तो आने वाला है, उसको और आगे तोड़ना है तो इसको आगे 4 फैक्टोरियल लिख दो, तो ये आगे आगे टूट सकते हैं। ये कहां काम है? हाँ, ये समझ आया आप लोगों को? पलक आया आप लोगों को? किसको नहीं आया रेज योर हैंड, फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। हृदय को नहीं समझ में आया? हृदय आया समझ में? आ गया पक्का? चलो हाँ सर आ गया। अगर आ गया तो आप लोग ये सिंपल समय को वैल्यू ढूंढ के बताओ। आपके पास 100 फैक्टोरियल हुआ तो हमें वही बताओ, 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 98 फैक्टोरियल, तो आप क्या करोगे? 100 फैक्टोरियल को तोड़ोगे, 100 × 99 × 9, तो फैक्टोरियल कट होगा क्योंकि आंसर तो सेम ही आएंगे दोनों के। तो आपने 99 × 100 किया, 9900 में चेंज हो गया। समझ आया आप लोगों को? देखो कोई भी फैक्टोरियल को कहीं से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन उसके आगे जो नंबर आ, जैसे 98 फैक्टोरियल आ रहा है क्योंकि नहीं, तो 98 पर रोक सकते हो। अगर आगे और बढ़ना है
इंटू 97 फैक्टोरियल लिखकर आप तोड़ सकते हो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपके आपका वो आंसर निकलना चाहिए इस हिसाब से आपको तोड़ने। देखो एक और, आप जैसे मैंने यहां लिखा क्वेश्चन है आपका 27 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 25 फैक्टोरियल, तो कैसे आप उसको तोड़ोगे, कैसे लिखोगे इसको, बताओ इसका आंसर कितना होना चाहिए आपके हिसाब से। 27 इंटू 26, देखो 27 इंटू 26 इंटू 25 फैक्टोरियल, 25 फैक्टोरियल नीचे से कट हो जाएगा, तो आपका 27 इंटू 26 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, अभी मैंने कल शायद आप हृदय के भाई को एक 12 का मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट तरीके बताए हैं वैदिक मैथ्स में, उन लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों को सीखना वैदिक मैथ्स के शॉर्टकट तरीके। हृदय आपको आते है 11 का मल्टीप्लिकेशन? सर वैदिक मैथ्स का आइडिया नहीं है। नहीं अभी क्या होता है, अभी आप लोग कंपटीशन में जाओगे, आप लोग कंपटीशन में क्या आपके पास टाइम की बहुत वैल्यू है, आपको कम टाइम पर मैक्सिमम क्वेश्चन करने, तो इसके लिए आपको मेंटल मैथ्स भी जरूरी है कि फटाफट कैलकुलेशन कैसे करना है। मैं बीच बीच में उसके टॉपिक्स रखता रहूंगा कि लंबे मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, जैसे लंबे मल्टीप्लीकेशन के लिए कुछ बेसिक्स रूल्स आपको सीखने हैं। अभी पहले मैं ये फैक्टोरियल का कंसेप्ट बता के फिर मैं उसके रूल्स बताता हूँ। चलो आपने यहां तक कर लिया, अब है पलक, एचसीएफ निकालना आता है बेटा आपको, एचसीएफ एलसीएम? यस सर। बिल्कुल, तो आप सिंपल सा फैक्टोरियल में एचसीएफ ढूंढेंगे, आपको बोला 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, इसका एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? 1। आपको पता 3 फैक्टोरियल सभी में आने वाला है, 3 तो खुद में तो आ ही जाएगा, 5 में भी आने ही वाला है, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 4 में भी 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो आपका जो एचसीएफ है वो 3 फैक्टोरियल है, बिना कुछ किए जो सबसे छोटा नंबर है वो ऑटोमेटिकली एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम में क्या आएगा बता सकते हो आप लोग, एलसीएम क्या होगा इसका? 5 फैक्टोरियल इनटू 4 इनटू 5, जो सबसे बड़ा नंबर है वो एलसीएम, क्योंकि वो 5 डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल। देखो मैं बताता हूं एलसीएम कैसे निकालते हैं, 4 फैक्टोरियल लिखा, 5 फैक्टोरियल लिखा, 3 फैक्टोरियल, सबसे पहले आपने यहां से कॉमन डिवाइड किया, 3 फैक्टोरियल कॉमन निकाला, तो 4 में से हटाया तो 4 बच गया, 5 में से हटा 5 इनटू 4 बच गया, 3 में से 1 बचा, फिर 4 निकाला 1 5 1 5 निकाला 1 1 1, अब इनको मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 5 फैक्टोरियल आने वाला है, तो जो सबसे बड़ा होता है वो हमेशा एलसीएम, और जो सबसे छोटा होता है वो हमेशा एचसीएफ, जितने भी नंबर दिए वो बिना कैलकुलेट किए। समझ आया आप लोगों को फैक्टोरियल का? हेलो यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, अब एक्स की एक वैल्यू तुम्हें ढूंढ के बतानी है, वन अपॉन 8 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल, एक्स अपॉन 10 फैक्टोरियल, इसमें बताओ एक्स का वैल्यू कितना आएगा, कैलकुलेट करो कॉपी में या मेंटल कैलकुलेशन करो कि 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल इज एक्स अपॉन 10 फैक्टोरियल, एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? मोहित आया आपका आंसर? सर कर रहा हूँ सॉल्व। सर 10 फैक्टोरियल अपॉन 72 फैक्टोरियल, इसका एक्स का वैल्यू एग्जैक्ट आंसर है कुछ? अच्छा नहीं एक मिनट देख लो,
मनसा आपका निकला आंसर, मनसा वन, मनसा आपका आंसर निकला, मनसा कनेक्ट नहीं क्या? सर 170 फैक्टोरियल अपॉन 72 फैक्टोरियल, देखो अब तुम्हारे सामने कर रहे हैं सर, 100 आंसर, 100 इज द करेक्ट आंसर, वेल डन। चलो अभी देखो कैसे आया, सबसे पहले देखो 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल का एलसीएम क्या होता है, आप लोग पता है जो बड़ा है वो एलसीएम है 9 फैक्टोरियल, क्योंकि हम लोग एलसीएम लेते ही है, 8 फैक्टोरियल को किससे इंटू करें 9 आएगा, तो इंटू 9 किया 9 इंटू 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल हो गया, ऊपर भी 9 से इंटू किया 9 आया 1 आया, तो x अपॉन 10 फैक्टोरियल 9 प्लस 1 10 अपॉन 9 फैक्टोरियल, अब 10 फैक्टोरियल को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई किया x आ गया, आपको पता है 10 इंटू 10 फैक्टोरियल को तोड़ सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, 99 कैंसिल, 10 10 से 100, तो ये x का वैल्यू आपका निकल आया बिना लंबी कैलकुलेशन। समझ आया आप लोगों को? देखो जिसको नहीं है फिर से बता दो, 8 9 का 9 फैक्टोरियल एलसीएम, जो बड़ा होगा एलसीएम, 8 को 9 फैक्टोरियल में बदलना है तो इंटू 9 करना जरूरी है, तो ऊपर नीचे 9 से इंटू के 9 आ गया, 9 तो 9 फैक्टोरियल तो 1 ही आया, तो 1 से 1 ही रहेगा, ये 10 अपॉन 9 फैक्टोरियल, और 10 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 10 फैक्टोरियल का मतलब 10 इंटू 9, 99 कैंसिल, 10 10 जा 100, सिंपल सा कंसेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में ये क्वेश्चन दिया आपको, सेवन इंटू एट इंटू नाइन, इसको फैक्टोरियल में बदल दो, फैक्टोरियल में बदलना है आपको, नाइन चाहे डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो कुछ भी करके इसको फैक्टोरियल के सिंबल में कन्वर्ट करना है, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। वाह ग्रेट, कौन है ये, कौन बोला भाई? सम्रत। सम्रत बोल गया खेल। देखो इसको करने के लिए क्या, देखो आपको पता है कि ये नंबर 1 से जब स्टार्ट होगा तब ये कंप्लीट फैक्टोरियल में आएगा, तो आप इसमें क्या करो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करो, जिससे ये कंप्लीट फैक्टोरियल में बदल जाए, और नीचे जितना एक्स्ट्रा लाए उतना एक्स्ट्रा आप डिवाइड कर दो। देखो ये आपको पता 7 इंटू 8 इंटू 9 फैक्टोरियल नहीं है, आप इसमें आगे से 1 से लेकर 6 तक एक्स्ट्रा ला दो, उतना ही एक्स्ट्रा डिवाइड, क्योंकि आप जितना ऊपर मल्टीप्लाई उतना ही आपको डिवाइड करना है, जिससे बैलेंस रहे इक्वेशन। अब ये पूरा कितना हो गया 9 फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो गया पूरा 6 फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गया, 7 इंटू 8 इंटू 9 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल का डिविजन है। ठीक है चलो ये दूसरा वाला फैक्टोरियल चेंज करो, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10, इसको फैक्टोरियल में बदलो, 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 को फैक्टोरियल के फॉर्म में, पलक आ रहा बेटा आपको समझ में? पलक हाँ यस सर, यस सर, इसको फैक्टोरियल में बदलो, कैसे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना देख जा देखो, सर हो गया, बताओ कितना आया? 5 फैक्टोरियल। वाह ग्रेट, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 नहीं मल्टीप्लाइड बाय 2। नो एक मिस्टेक हो गई, तुमने दिमाग तो बहुत सही लगाया, एक जगह गड़बड़ हो गई तुम्हारी, उसे डिवाइड किया उसे, तो देखो आपको पता है 2 2 1 जा 2 4 को लिखा 2 2 जा 4 6 को लिखा 2 3 जा 6 8 को लिखा 2 4 जा 8 10 को लिखा 2 5 जा 10। अब देखो जितने 2 आ रहे हैं ना एक्स्ट्रा वाले, कितने 2 आ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो ये पूरे में लगा 2 रेस टू 5 हो गए, देखो 1 2 1 2 स्क्वायर क्यूब 4 5
बचे आपके पास नंबर 1 × 2 × 3 × 4 × 5। आप देखोगे 2 raised to 5 × 5 factorial। 5 factorial 2 raised to 5 × 5 factorial में ये पूरा कन्वर्ट हो गया। समझ आया आप लोगों को? हृदय को नहीं आया? हृदय नहीं समझ में आया? यस सर। हृदय को आया समझ में कि नहीं? ठीक है चलो। अच्छा मैं एक क्वेश्चन करूंगा, आपको ये बताना है 33 factorial आप समझ रहे हो? क्या ये नंबर डिवाइड हो सकता है 2 raised to 14 से? 33 factorial में 2 raised to 14 से डिवाइड किया जा सकता है कि या परफेक्टली इसको डिवाइड कर सकता है? जब चेक करके बताओ 33 factorial का 2 raised to 14 से डिवाइड हो सकता है? यस या नो बताना आप लोगों को बस। क्या है 33 factorial? 33 factorial हम करें तो 2 raised to 14 से डिवाइड हो सकता है? हाँ सर हो सकता है डिवाइड। बिल्कुल सही है। कैसे आप बताओ रीजन क्या है? सर 33 अगर 33 factorial देखे तो 33 ऐसे करके आप इवन नंबर 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ये 33 का पूरा फैक्टोरियल हो गया। लेकिन आप देखो 2 कितने आएंगे, 32 में 2 आएगा, एक 30 में 2 आएगा, तो ऐसे 32 का मतलब 2 raised to 2 × 16, यानी यहाँ 2 × 16, 32 × 15, ऐसे करके 2 × 1, तो टोटल आपके 2 कितने आएंगे, 16 से लेकर यानी 2 raised to 16 कॉमन आ जाएंगे। आपको तो सिर्फ 2 raised to 14 ही चाहिए और यहाँ तक 16 आ गया, इसका मतलब 2 raised to 14 से ये डिवाइड हो जाए। नहीं समझ में आया? मनसे को नहीं आया? देखो सर आया समझ में। इसमें ऑड नंबर को आप हटा दो थोड़ी देर के लिए, ऑड नंबर का हमारा रोल नहीं है क्योंकि ऑड नंबर कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होते, लेकिन वो रहेंगे। लेकिन इसमें जो इवन नंबर है उसमें 2 आपके 16 बार कॉमन आ गए, देखो हर जगह देखोगे तो बचे हुए जो नंबर है वो आपके जो यहाँ लिया ये सारे 16 factorial होगा, यहाँ से लेंगे 16, 15 अब तो बनाएगा तो 16 factorial, और बाकी जो नंबर है वो सारे ऑड नंबर है 33, 31, उसका कोई रोल नहीं है। तो देखो 2 raised to 16 आ रहे हैं, इसका 2 14, तो वैसे ही डिवाइड हो गया तुम्हारा। ठीक है। अच्छा आपको दिया है n+2 factorial = 2550 × n factorial, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? कॉपी में कैलकुलेट करके देखो n कितना आना चाहिए तुम्हें। चलो मैं आपको बता देता हूँ बहुत इजी तरीके से। आप लोगों ने
प्रैक्टिस की है, लेकिन मैं आप लोगों को हेल्प करता हूँ। सर बताओ मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होगा ना उसमें। हाँ, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिट किए बिना आप कर सकते हो। जैसे n प्लस टू को लिखा n प्लस टू इंटू n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल, क्योंकि आपको n फैक्टोरियल दोनों साइड से काट देना है क्योंकि दोनों में कॉमन आ जाएगा। यहाँ आया 2550 इंटू n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल दोनों साइड से काटोगे, बहुत ज्यादा एक्सपांड तो हम नहीं कर सकते। अब ये n प्लस टू और n प्लस वन कंसेक्यूटिव नंबर है, और आपको पता है 2550 51 इंटू 50 का प्रोडक्ट है, 15 टू ये भी कंसेक्यूटिव नंबर है। इसका मतलब है n प्लस टू आपका n प्लस टू n 51 के इक्वल आया, तो आपने ये लिखा n प्लस 49 हो गया है 51, तो n शुड बी 49। ये आपका क्योंकि आपको मेंटल मैथ्स भी यूज करना है पूरा, अभी 10 तक था ठीक है, बचपना था कि हमने सब मेथड दिखा है, अब आपको शॉर्टकट तरीके भी सोचने माइंड में कि ये कैसे हो सकता है। चलो आज मैं आपको एक वैदिक मैथ्स के रूल्स बता रहा हूँ, वो आज आपको कॉम्प्लीमेंट्री वाला, आज का हम आज इतना ही रखेंगे। इसके लिए थोड़ी से मैं आपको 10 क्वेश्चन की वर्कशीट भेजूंगा जिससे आप लोग प्रैक्टिस में थोड़ा कंटिन्यू रहो। चलो वैदिक मैथ्स का मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ। वैदिक मैथ्स में आपको पता हर नंबर 0 से लेकर 9 तक सब 10 से जुड़े हुए। 10 से मतलब कैसे, देखो ये आपने देखा कॉम्प्लीमेंट्री नंबर, पहले मैं आपको बता दूं जैसे कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल 90, लेकिन नंबर में कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 10। जैसे 1 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 9, तो 1 और 9 को प्लस करने से 10 आ जाता है। 2 का कॉम्प्लीमेंट्री 8, 7 का कॉम्प्लीमेंट्री 3, 6 का कॉम्प्लीमेंट्री 4, टोटल सम आपका हमेशा 10 आना चाहिए। 5 का कॉम्प्लीमेंट्री खुद 5 हो गया, 6 का 6 हो गया, 4 का 6, 3 का 7, 2 का 9 और 8 का 2 का 8, 0 का 2 का 8, एक मिनट गड़बड़ हो गया, 2 का 8 सर, वो आपने ऊपर लिख तो दिया है, ये रिवर्स ऑर्डर चलना दोनों, ये हुए कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे अब अगर आपको ये चाहिए 11 का कॉम्प्लीमेंट, 11 टू डिजिट नंबर है, तो टू डिजिट नंबर का मतलब है ये इसका हाईएस्ट नंबर 100 हुआ, तो 11 का कॉम्प्लीमेंट्री 100 हुआ। 1 डिजिट का कॉम्प्लीमेंट्री 10, 2 डिजिट का कॉम्प्लीमेंट्री 100। अगर इसका तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है तो इसका 1 का कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढो, 1 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 8, और फिर यहां पर देखो आप कैरी लेते तो ये हमेशा 9 हो जाता है, तो 9 में से 1 माइनस किया तो ये आ गया 8। देखो 1 का कॉम्प्लीमेंट्री 9 और यहां हुआ 8, तो 11 और 89 को प्लस करने से 100 आ रहा है तुम्हारा। देखो फिर से बताओ, जैसे आपका 2 डिजिट का कोई भी नंबर इसका कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढना है, तो 2 डिजिट का कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, हाईएस्ट नंबर 100 हुआ, तो 100 के लिए पहले आपका ये राइट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, तो 2 का तो एक्चुअल कॉम्प्लीमेंट्री 1 डिजिट का आपको पता है, 1 डिजिट का 2 का 8 होता है, और ये जो नंबर है आप हमेशा इसको 9 से ही माइनस करोगे क्योंकि कैरिंग तो फॉरवर्ड होने वाली है, तो 9 से इसको माइनस किया तो ये आपका आ गया 6, तो 6832 का कॉम्प्लीमेंट्री। अब जैसे 3 डिजिट का नंबर है 157, इसका कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, तो जो सबसे लास्ट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता चाहिए है, लेकिन ये दोनों नंबर हमेशा 9 से ही माइनस कर रहे, तो 9 से क्या 4, 9 से 1 को माइनस किया 8, तो 843 157 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर। समझ आ रहा है मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसा कि आपके पास नंबर है 5798, इसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर मेरे को चाहिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री करने के लिए 8 का कॉम्प्लीमेंट्री 2, फिर 9 से सभी को 9 से माइनस 0 2 4, तो 4 2 0 2 इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। मेरा क्वेश्चन आ रहा है समझे? कॉम्प्लीमेंट अभी जब तक कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा तब तक मल्टीप्लीकेशन आप शॉर्टकट में नहीं सीख पाओगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट सीखना जरूरी है। अभी मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आपको एक मिनट में कॉम्प्लीमेंट बताने, ठीक है? फटाफट अपने 5 7 9 8 6 4 1 3 2 5 1 5 7 3
2, 4, 6, 0, 3, 5, 7, 9. चलो ये पांच क्वेश्चन आप लोग कर दो फटाफट 30 seconds के अंदर. पलक आप देख रहे हो बेटा कि नहीं देख रहे हो? पलक हेलो हेलो ध्यान दे रहे हो बेटा? ये आपके वैदिक मैथ से शॉर्टकट तरीके. हाँ सर वो खाली जीरो. चलो कोई नहीं, ये जीरो वाला नहीं आया. 2, 4, 6, 0. देखो जीरो में तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट्री क्या, जीरो मतलब उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता. उसके लिए फिर आपको यहां से चालू जीरो में नहीं करेंगे, सिक्स से चालू करेंगे. जीरो को तो जीरो रहना है, यहां से कॉम्प्लीमेंट्री 246 का ढूंढना है, फिर इसको 10 से माइनस करना है. 6 के लिए 6 का कॉम्प्लीमेंट्री, इन दोनों को 99 से. हो गया सर? हो गया. चलो अभी चेक कर लेते हैं. हां सर हो गया. देखो इसका तो आपका 4 9 से किया 1024. ये हुआ 5 6 7 8 5. ये कॉम्प्लीमेंट्री का देखो यूज क्या है. जैसे आपको 19 का टेबल लिखना है, 19 का शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ. 19 का, 29 का, 39 का टेबल आप लोगों को बताता हूँ कैसे लिखते हैं. सिर्फ आज मैं 19 का बता रहा हूँ फटाफट, जैसे आपको आइडिया हो जाएगा. देखो आप 19 का टेबल लिख रहे हो, 19 वन्स लिख रहे हो, फिर 19 टूज 19 थ्रीज. हम लोगों को 19 का टेबल मालूम है, लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका देखो. सबसे पहले आपको जब 19 वन्स है तो 19 है वो तो क्लियर. देखो यहाँ क्या करना है, सबसे फर्स्ट 19 में क्या होता है, 19 से नेक्स्ट नंबर 20 आते हैं. आपको क्या करना है, 20 का जीरो हटाकर 2 ध्यान रखना. सबसे 19 वन्स है, 19 तो हो गया तुम्हारा. देखो 2 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 2 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 8. इसके बाद आपका ये जो 2 8 में ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 38. 3 का कॉम्प्लीमेंट 7. और फिर 3 में 2 ऐड हो जाएगा 5. 19 4s है, 4 का कॉम्प्लीमेंट 6. और 5 में 2 ऐड हो गया 76. 19 5s है, 5 का कॉम्प्लीमेंट 5. फिर आप क्या करोगे, 7 डिवाइड का होगा 95. ऐसे करके आप इसका टेबल बना सकते हो. अब जैसे आपने इसी की जगह का 29 होता 30 हो जाता ऊपर. देखो 29 का नेक्स्ट नंबर 30 है, यानी 3 ऐड करना है. दिमाग ना 30 का 3. सबसे पहले तो आपको पता 1 का कॉम्प्लीमेंट्री 1 है और 29 तो 2 रहेगा. फिर 29 2 जा, तो आपको पता 2 का कॉम्प्लीमेंट्री 8 और 2 में 5 3 ऐड किया 5 58. समझ आ गया? मैंने तो 29 का 30 आता है, 30 का 0 हटा दो, 3 ऐड करना सब में. जैसे आप 29 3 आपको चाहिए तो 3 का कॉम्प्लीमेंट्री 7 और उसके बाद है 5 में हमने 3 ऐड किया, 87 हो गया. 7 29 4s तो आपने 4 का कॉम्प्लीमेंट्री 6, 8 में 3 ऐड किया 11, 116 आ गया. ऐसे आप 39 का टेबल 10 तक आराम से लिख सकते हो. ये जिसमें 99 है उसके लिए शॉर्टकट तरीका है. सर हां बोलो. 3 कैसे लिया एक बार वापस एक्सप्लेन करो. किसका बेटा, मतलब 3 कैसे लिया? ये 3 कैसे ले, इसकी बात कर रहा हूँ. 39 है ना, 29 के बाद नेक्स्ट नंबर 30 है, इसका 30 आता है, तो 30 का सिर्फ 3 यूज करना है, 0 हटा देना. अभी इसके मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, लेकिन अभी आपको शॉर्टकट तरीके बता रहा हूँ कि आपको कैसे टेबल्स लिखने हैं.
तो आप लोग मेरे को कल 29, 39, 49, 59 का टेबल है ना ऐसे शॉर्टकट्स में करके देखो कि आप लोगों से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शॉर्टकट तरीके से भी हमें लॉजिक समझना है। 59 में आपको 6 ऐड करते जाना है आगे वाले नंबर में। 79 हो तो 8 ऐड करो। हाँ क्या बोल रहे हो? फटाफट कैसे सॉर्ट करना वो मैं बता रहा हूँ। चलो।